हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हम जो ट्रेनिंग थोड़े दिन दे लेंगे, जो ट्रेनिंग दे लेंगे बुरा सोचने की या भला सोचने की, फिर जब ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बुरी ट्रेनिंग हो गई तो उसे छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी बुद्धि को ये ट्रेनिंग दें, बुरी से बुरी परिस्थिति में से कुछ अच्छा निकाल ले। जैसे भोले बाबा है, राजा दक्ष की सभा में, और सब लोग खड़े हो गए, देवताओं का जो है अध्यक्ष चुना गया था दक्ष को, तो सब खड़े हो गए अध्यक्ष के आने पर, भोले बाबा अपनी समाधि में थे, सब खड़े हो गए तो इतने लोग खड़े भए, बिन को सुकून नहीं लाए दक्ष ने, जो एक बैठे और रह गो, एक बाके मारे बाके दिल में आग लग गई, और माने भोले बाबा को 1000 गारी दें, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ 1000 तो गिन के नहीं दें, एक कहावत है जैसे कि 1000 गारी दें, और भोले बाबा के चेहरा पर ने कहू सिरवट नहीं आई, तनाव नहीं आया। काहू ने कही तुम तो बहुत भी विचित्र आदमी हो, वो धड़ाधड़ गारी दे रहे हो चोरे में हैं, और तुम चाहो तो एक बार उखारो वीरभद्र पैदा करो यही सुपड़ा साहब, लेकिन क्यों नहीं आप गुस्सा कर रहे, क्या बात है? तो भोले बाबा ने कही भले मानसो कछु दे ही रहो, कछु लेता रहो ना है, कछु ले रहो हो तो अलग बात है, दे ही तो रहो भैया है। दृष्टि देखिए, जब बुद्धि की ट्रेनिंग ऐसी हो जाए अच्छा खोजने की, तो कितनी बुराई में से अच्छा ही खोज लेता है आदमी है। और फिर एक और बात कही, जो नंदी हो ना, नंदी वो बहुत गुस्सा में हो, माने कि आपकी बात से हम सहमत नहीं है, गाली दे रहा है वो, तो इतनी प्यारी बात कही कि नंदी की भी हंसी छूट गई, बोले गाली दे रहा है गाली। तब भगवान ने कही जब ससुराल वाले गाड़ी नहीं देंगे तो और कहाँ गाड़ी जाके मिलेगी, यही तो गाड़ी मिलती है, और ससुराल की सी मीठी गाड़ी तो दुनिया में कहीं होती नहीं है। ऐसा माहौल को परिवर्तन कर दिया है, मुस्कुरा कर जिनको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जो बुराई बुरी से बुरी बुराई में भी जो अच्छा ही खोजना जानता है, वो महादेव है, वही तो विष को पचा लेता है। जो अमृत पी करके देवता बन गए तो का बन गए, अमृत पी के देवता बन गए, लेकिन जो जहर पी के भी देवता बना रहे फिर वो केवल देव नहीं रह जाता, वह महादेव हो जाता है। काय का जहर बुराइयों का है। अब ये कथा है रही है, जब नेक नेक से बालक जो है भूमिका निभा रहे हैं नेक नेक से, और जिन बालकन की जो कथा कर रहे हैं एक तो भलो काम कर रहे हैं, और जी थोड़ी जिन्हें अभी बड़ाई मिल रही होगी, अभी तो लोग जन काका खेर न्योर घर खांगे जामे थे हैं, जन कितनी कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मझधार में डटे रहेंगे जा जहर पी जाएंगे तो फिर यही का उतना याद करे जाएंगे कि अरे साहब नेक नेक से बालकन ने कितना बड़ा काम कर डाले हो। तो पांव फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा, और कांटों से डरे आदमी और बात करे फूलन की है तो फूल मिलने वाले नहीं है। पहले कांटों के लायक अपने पावन ने पक्के कर ले है।